वेलकम बैक टू आर्म्स ऑनलाइन क्लासेज। आई एम मंसूर अहमद। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ पैसिव वॉइस। इन इट वी टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव हैज थ्री टाइप्स एज यू नो, एंड इन यस्टरडे क्लास वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट्स फर्स्ट टाइप WHO, who, okay? Next, I am going to tell you about the rest of WH word. So students, पहले जो जितने भी WH word जो बचे हुए हैं, जिसमें what है, which है, how है, why है, मतलब जितने भी who के अलावा जो बचे हुए वो सारे इसमें आ गए हैं। तो उसका मैं structure आपको पहले बताता हूँ। स्ट्रक्चर में जो WH वर्ड हमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, पहले उस WH वर्ड का हम यूज करेंगे। याद रखना, यहाँ हम हु की बात नहीं कर रहे। हु की बात मैं कल वाले टॉपिक में कर चुका हूँ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी है अपने, जो 24 का ये फैमिली है एक, तो उनमें से एक यूज किया जाता है। फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो है जो आपके जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद वी थर्ड एज यूजुअल, पैसिव वॉइस में वी थर्ड हमेशा आता है। और उसके बाद यूज ऑफ बाय, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और एंड में इंट्रोगेटिव साइन। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में खास बात है कि जिस वे में हमें सेंटेंस मेंशन किया रहेगा उसी वे में हमें उसको बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके, अब इसके बारे में एग्जांपल बताता हूं मैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, व्हाई डिड यू नॉट help him? Why did you not help him? एक सिंपल सा ही जो एग्जाम्पल है, तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर में फर्स्ट WH वर्ड, तो WH वर्ड हमारे पास में यहाँ why दिया हुआ है, वो मैंने फर्स्ट इसको मेंशन कर दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारे पास में यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है, डिड है, तो हमने इसकी जो फर्स्ट क्लास थी पैसिव वॉइस की, उसमें हमने बात की थी कि यदि एक्टिव वॉइस में डिड का यूज किया जाए तो पैसिव वॉइस में उसको वॉज या वर में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब वॉज वर दो हो गए, तो यहाँ सिंगुलर है तो वॉज कर देंगे और प्लुरल है तो वर कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, हिम, तो हिम सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए मैंने कर दिया वॉच। वाई वॉच, अब ये हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव है, इधर आके ये सब्जेक्टिव बन जाएगा, तो हिम का सब्जेक्टिव होता है ही। वाई वॉच ही नॉट अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करेगा, ये नॉट फिक्स है, तो इसको मैं लिख दूंगा यही नो चेंज। तो वाई वॉच ही नॉट, अब मेरे पास में मेन वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है, हेल्प। हेल्प की मुझे कौन सी फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म बनानी है, तो मैं इसको कर दूंगा हेल्प्ड। ओके, और फिर बाद में नेक्स्ट रूल बाय का यूज जो आ रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट यानी यू दिया हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्यों मुड़ गया है, यू है, वहां जाके ये यू ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं यू। ओके, तो ये अपना एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एडवर्बियल दे दी जाती है। अब वो टाइम एडवर्बियल भी हो सकती है, प्लेस एडवर्बियल भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। वेयर डू यू मीट हिम एवरी डे, एक मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिया है,
चर्चित सेंटेंस है ये, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। वेयर डू यू मीट हिम एवरी डे। तो यहाँ देख लिया हमने डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है और लास्ट में इंट्रोगेटिव है, इसका पेशी हुए हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो वेयर है इसको सबसे पहले मैं लेके आ गया वेयर, तो अपना डब्ल्यू एच का काम हो गया। दूसरा काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में यहाँ दे रखा है डू। हमारा रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस में डू या डज का यूज किया जाए तो हमें उसको चेंज किसमें करना होगा, इजेमार में। ओके, अब इजेमार तीन हो गए। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है तो आप क्या कर दोगे, एम सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। वही हिम है सिंगुलर है तो मैं कर दूंगा यहाँ इज, वेयर इज। ओके, इसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, यहाँ देखो ऊपर अभी इसी हिम को लेके आया था मैं, ही बन गया था, तो सेम ही हम यहाँ बना देंगे। वेयर इज ही, फिर वी थर्ड की बात कर रहा है, मीट है। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कई स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं कि मीट है उसके मेट एड कर देते, जबकि ये रॉन्ग है। मीट की जो थर्ड और सेकेंड फॉर्म दोनों होती है मैट, तो यहाँ मैं कर दूंगा मैट। तो वेयर इज ही मैट, अब मेरे पास में ये थर्ड फॉर्म हो गई। और बाय यू, ये जो यू है ना ये एक ऑप्शनल है, आप इसका यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऑप्शन पे बेस करता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। सेंटेंस बन रहा भी, वेयर इज ही मेट बाय यू। अब ये जो एवरीडे है, एवरीडे मेरा एडवर्बियल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और एडवर्बियल यहाँ पर ये जो है एवरीडे यानी टाइम एडवर्बियल है, तो इसको मैं इसी पोजीशन पे रख दूंगा, नो चेंज एवरीडे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड का हुआ। अब एडवर्बियल के बारे में याद रखो एक बात, एडवर्बियल पैसिव वॉइस में जो एडवर्बियल है इसकी जो पोजीशन है वो कोई फिक्स नहीं है, ये जंप कर सकता है, इसलिए इसका बेटर काम क्या है कि जहां हमें क्वेश्चन में इसको दिया हुआ है वहीं इसको रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने एवरीडे को लास्ट में रख दिया है। दूसरी बात, कभी कभी ये मिड में आता है, बीच में आ जाता है, तो बीच में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है तो वो चेंज कर देता है। एडवर्बियल में कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद में आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एडवर्बियल हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। थोड़ी सी बात बताता हूं इस यू की, के ये किस प्रकार से इसमें वर्क कर रहा है। मेरे पास में कुछ प्रोनाउन है, जैसे दे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है इसका देम, यू इसके दोनों ही यू होते हैं, समवन एनीवन, नो वन, ठीक है, और नोबडी, समबडी, ये कुछ है जो अननोन सब्जेक्ट होते हैं, अननोन डूअर होते हैं, पता नहीं चलता है। मैंने बोल दिया कि समवन हैज बीटन मी, मैंने बोला कि समवन हैज बीटन मी, किसी ने मुझे पीटा, ये किसी कौन है, ये अननोन है, तो आप अननोन में इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म पे ही एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम ये यू यहां कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, मैं वापस जो पिछला नॉलेज है उसमें आ रहा हूं, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, ये मैंने जो पिछला नॉलेज है उसके बारे में बता रहा हूं, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, तो माय वॉच इसमें ऑब्जेक्ट है, तो शुरू में लेके आ गया माय वॉच, हैज दिया हुआ है तो हैज बीन हो जाएगा, माय वॉच हैज बीन स्टोलन, ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म है स्टोलन। अब इसका सब्जेक्ट क्या दे रखा है, समवन, तो ये बाय के साथ में उधर कैरी नहीं करेगा, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म पे इसको एंड कर देंगे। ओके, तो ये पैसिव वॉइस का अपना जो टॉपिक चल रहा था चार क्लास से, ये आज कंप्लीट हुआ है। कल एक नए टॉपिक इनडायरेक्ट स्पीच के साथ में फिर से आएंगे,
तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।